Hi everyone, welcome back to my channel. I'm super excited and super happy to start today's vlog because it's my birthday vlog. और आज मैं पूरे 24 साल की हो गई हूँ. एंड आज की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और मैंने सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. तो पहले मैं अपनी कल वाली क्लिप्स दिखाती हूँ, फिर जो रात को बड़ा सरप्राइजिंग सेलिब्रेशन हुआ मेरे लिए वो सारी क्लिप्स आप लोगों को दिखाती हूँ. एंड उसके बाद हम आज का व्लॉग शुरू करेंगे. करके नहीं है तू, करके करना क्या चाहती है तू? करना चाहती हूँ यार. ये हमारे साथ है, फोन चलाओ. फोन बहुत है इनफ यार, कॉपीराइटर का फोन मत चलाओ. हां क्षमा करे परिवार. तो हम तीनों निकले थे मेरी बर्थडे ड्रेस लेने के लिए और इतने दिन से सोच रहे थे जाएं, लेकिन वही हुआ एट द लास्ट मोमेंट. एक दिन पहले ही हम तीनों निकले और बड़ी टेंशन भी थी कि मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरा दिन हमने लगाया मेरी बर्थ ड्रेस चूज़ करने के लिए. पहले स्टोर पे जाते तो पता नहीं कि मैंने इतना सारा एथनिक ट्राई किया था, मैंने यहाँ से एक एथनिक ड्रेस ही ले ली थी. मेरे पास चमचम हो गए इतने कपड़े ट्राई करके. तो ये बच्चे बच्ची रह गई है. दो तीन स्टोर्स पे हम विज़िट कर चुके थे और एक मिनट अपनी ड्रेस भी ले चुकी थी, बट वो एथनिक थी. मुझे कुछ वेस्टर्न चाहिए था मेरे बर्थडे के लिए. तो उसके बाद हम गए थोड़ा पेट पूजा करने के, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा पेट पूजा करके आते फिर दोबारा मैं आदत लगाएंगे ड्रेस ढूंढने के लिए. लाल हो जाते थे, नाक नाक लाल होती है मेरी. क्या बदतमीजी कर दी है बदतमीज़. नहीं मैं इधर अच्छी बैठी, इधर दो बदतमीज बैठे हैं, जाओ लेके आओ. पेट पूजा भी तो जरूरी है, बहुत थक गए हैं. यार उसके बाद वाली ना क्लिप्स मुझसे ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गई. यहाँ से हम ना रात 12 बज गए थे, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था. ये लास्ट वाली ना क्लिप्स भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मेरी बहन ने अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड की थी, क्योंकि हमें तो आइडिया भी नहीं था ये लोग आने वाले. सिर्फ मम्मी को और बहन को पता था कि ये लोग आ रहे हैं. एंड ये मेरे इस बर्थडे का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ था जो मुझे रात को मिला.
तो उसके बाद हम सब लोग बैठे थे, गप्पे वगैरह मारे थे, केक कटिंग वगैरह करके, और मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं ये सब क्लिप्स म्यूटेड करके डाल रही हूँ। लेकिन जो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया रात को आके, बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे। और ये था कल का सारा सेलिब्रेशन, और ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था ऐसे रात को, क्योंकि मुझे दूर दूर तक सच में उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब मेरे लोग सारे ऐसे एकदम से रात को आके मुझे सरप्राइज करेंगे। एंड इट वाज द बेस्ट आई थिंक बेस्ट बर्थडे, और ये मेरी शादी से पहली भी मेरा आई थिंक लास्ट बर्थडे है, आई कैन से हाफ बैचलरेट मतलब जो भी बोलेंगे, आई एम एंगेज्ड बट नॉट मैरिड, बीच वाला टाइम पीरियड है और इसी बीच में बर्थडे है, तो इसको जैसा भी हम बुलाएं वैसा हो सकता है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, और बड़े अच्छा सा मैंने अपना हेयर डू करवाया आज अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो अभी हम पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फिर आप सबको दिखाती हूँ। और अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि एक्चुअली प्लान हो नहीं पा रहा है, मैं सच बताऊँ सब कन्फ्यूज है कहाँ जाए कहाँ नहीं। पहले हमारा मन था कि आउटिंग मतलब एक प्रॉपर ट्रिप करते हैं, कसोली साइड चलते हैं और रात को रुक के आएंगे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, हमारे फैमिली में मतलब बच्चे का एग्ज़ाम है कल, तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने एक दो और अभी जगह डिसाइड करी है, तो एट लास्ट हमने फाइनल किया कि हम बस निकलते हैं घर से और जहाँ जो जगह पसंद आएगी वहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाएंगे, मतलब ऑन द स्पॉट वाला चीज़ डिसाइड किए। पहले हम अभी वो चिट्स रोल कर रहे थे कि लेट्स सी कौन सी रोलिंग में आती है वहाँ चलेंगे, लेकिन वो सभी पॉसिबल नहीं हो पाया कि वहाँ भी नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ चलते, वहाँ नहीं, वहाँ चलते हैं, बट फाइनली एट लास्ट ये डिसाइडेड हुआ, बस रेडी होकर निकलते हैं, जहाँ जो पसंद आएगा वहाँ बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज माई फाइनल लुक, लेकिन हटो आओ पूरा दिखाओ ना पीछे, मम्मी भी आधी रेडी है। दिस इज माय आउटफिट, दिखाओ कैसे लग रहा है, मैं उधर शूज रहेगा इधर से दिखाओ, ऑल सेट टू गो, बस हमारी एक लेट लतीफ रह जाती है, आ जा दिया, मैं खुद दिखाती हूँ कितना लेट रहती है। ओह माय गॉड, अनदर ब्यूटी, केक दिखाओ, रेडी होके हम सब निकले घर से, और सबसे पहले हमें जाना था ज्वेलरी शॉप पे क्योंकि मुझे एक गिफ्ट भी तो दिलाना था ना मम्मी पापा ने, तो घर से निकलते हम डायरेक्टली पहले ज्वेलरी शॉप पे गए थे, और इनफैक्ट वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरा केक कटिंग करवाया, और मुझे दो गिफ्ट भी मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मिले मम्मी पापा की तरफ से। Here's my another birthday gift. Thank you. बेटा आपने नहीं दिया मुझे गिफ्ट, मम्मी पापा ने दिया है।
हाँ, तो दो है, एक पापा की तरफ से एक मम्मी की तरफ से। एक सेकंड मैं बताती हूँ मेरा गिफ्ट, एक सेकंड रुक। फिर हम निकले हमारी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना था, और मेरी फैमिली का हमारा सबका पहाड़ों के बिना कभी नहीं सरता। हमारे मतलब कि सबकी चॉइस हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी चॉइस होती है वो हिल्स होती है। तो घर से निकले थे और पहुँचते पहुँचते वहाँ तक हमें रात हो चुकी थी, और हम उसी जगह पर गए थे जहाँ पर हमारी इंगेजमेंट हुई थी। ये वही सेम प्लेस है और यहाँ पर सारा डेकोरेशन वगैरह ऑलरेडी पहले से करवा रखा था पापा ने। और उसके बाद हम पहुँचे और हमने हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। यहाँ पर मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी को देख के, मेरा फिर रोना निकल गया था यहाँ पर। बिल्कुल जी, और जिस चीज की बेटी हम बेटे और भी ज्यादा अच्छे बनने। वी हैड ए गुड सेलिब्रेशन, और उसके बाद हम सब ने बैठ के इस थोड़ा स्नैक्स लिया, और उसके बाद फिर खूब सारी मस्ती करी, खूब सारा डांस किया। Yeah.
सारी मस्ती करने के बाद एट लास्ट वी हैड अवर डिनर और उसके बाद हम घर आ गए थे एंड दैट वॉज इट फॉर माई बर्थडे व्लॉग. रात के 12 बज गए थे. होप यू लाइक दैट, देन डू लाइक एंड कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.